दैनिक जागरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कम उम्र में चश्मा क्यों चढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। जब हम किसी से भी अपने माथे पर तिलक या भभूति लगवाते हैं तो उससे हमारा आज्ञा चक्र खराब हो जाता है, जिससे हमारी नज़र कमजोर हो जाती है और हम लोगों को कम उम्र में ही चश्मा चढ़ जाता है और हमारा मानसिक संतुलन भी खराब हो जाता है। अगर आप किसी से भी गंडा, डोरा, ताबीज, अंगूठी, भभूति लेकर इस्तेमाल करते हैं तो आपके सभी चक्र और सभी नस नाड़ियां खराब हो जाती हैं। ये इतनी गंभीर बीमारी होती है कि इसको संसार का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अगर आप किसी भी समस्या से परेशान हैं तो ये मेडिटेशन आजमाकर जरूर देखें, आपकी सभी समस्याओं का समाधान होगा। 180 देशों के लोगों ने इस मेडिटेशन को आजमाया है और सहजयोग मेडिटेशन के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। दोनों हाथों से और यहां दो मिनट के लिए हम विनती करेंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, रिक्वेस्ट करनी है। दो मिनट आंख बंद करके दिल से, हे परमपिता परमात्मा, हे आदिशक्ति मां, जो हमारे बाएं तरफ की प्रॉब्लम है, परेशानी है, बीपी लो है, किसी भी तरह की बुरी आदत, इन सब को अपने साकार रूप धरती मां से पवित्र कर दे। अगर धरती मां से भी विनती करें कि हे धरती मां, इस मंगलमय समय में आप हमारी मदद कीजिए, हमारे बाएं भाग को कोई भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, उस सब को धरती मां में विलीन कर दीजिए। अब दाएं हाथ सामने, राइट हैंड साइड सामने, ऐसे हथेली फैला कर रखेंगे और बाएं हाथ खब्बा हाथ ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा और दो मिनट के लिए फिर आंख बंद करके दिल से मांगे कि हे भगवान, जो आपका निराकार रूप है, आकाश तत्व, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी आई है, नींद का नहीं आना, इन सब विकारों को अपने से शुद्ध कर दो। अब दोनों हाथ छाती के बराबर और दो मिनट के लिए दिल से मांगिए, ओह गॉड प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन, हे भगवान, हमें हमारी आत्मा का आत्म साक्षात्कार दीजिए। अनपढ़ लोग कह सकते हैं कि हमें वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया, हसन हुसैन को दिया, बाला मर्दाना साहब को दिया, विवेकानंद जी को दिया। हे आदिशक्ति मां, हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दी, आत्मा की अनुभूति दी। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे परमपिता परमात्मा, क्या यही आपके प्रेम की शक्ति है जो पूरे संसार के जीवंत कार्य करती है? क्या यही ब्रह्म शक्ति है? क्या यही प्रकृति आपदाओं से, भूकंप जैसी चीजों से हमारी रक्षा करेगी भविष्य में? क्या इस सीमा पर इसी शक्ति से हम दुश्मन से जीतेंगे? क्या इसी से हर बीमारी का इलाज होगा बिना दवाई बिना पैसे के? अब बाएं हाथ ऐसे करके और एक दाएं हाथ से सर पे देखिए, सर से भी आता है, और जिनको ये आएगा उनके हाथ के खाने से, चाय पीने से आराम होगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, पूरे सर पे जहां भी हल्का सा ठंडा आए वहीं रोक करके और धन्यवाद कीजिए कि परमात्मा, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे आशीर्वादित किया आज। कम आए तो दिल से कह दीजिए कि मां पूर्ण आशीर्वाद दीजिए, आप जगत की जननी है, मेरे साथ आत्मा के रूप में है। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से कीड़ा पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ी को चेक कर रहे हैं। बस मांगने की बात है, मिलता सबको है, कोई दिल से मांगता है, कोई थोड़ा सा सोच के मांगता है, फर्क इतना है। अब दोनों हाथ नीचे करके और फिर देखें,
अब जिनको ये हाथों पे सच्चाई से बात हो रही है, जिनको किसी को दोनों पे ठंडा आएगा, ठंडा है वो पॉजिटिव है, किसी को एक पे ठंडा आएगा एक गर्म भी आएगा तो बुरा नहीं है। जो गर्म आया है वो अंदर शरीर में कोई तकलीफ है, शरीर के अंदर वो बाहर निकल रही है। एक हफ्ते बाद दोनों में ठंडा आएगा, समझिए फिर आप मास्टर हैं। दोस्तों अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि सभी लोगों को फायदा हो सके।